हेलो ब्यूटिफुल सोल्स दिस इज सानवी शर्मा आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल सोलफुल जोनिंग आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि आप दोनों की रीयूनियन की एनर्जीज ही चैनलाइज नहीं हो पा रही है और मन में इस तरह की कोई शंका है कि पता नहीं री होगा कि नहीं होगा तो आज की रीडिंग आपके लिए है आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या आप दोनों एक हो पाएंगे आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा आप मेल हैं फीमेल हैं मैरिड हैं अनमैरिड हैं डिवोर्स्ड हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर जॉडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी जॉडिक साइंस के लिए है और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरोक से भी रिकनफर्म एक बार ज़रूर करेंगे सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताती हूँ क्या आप दोनों एक हो पाएंगे क्या आप दोनों एक हो पाएंगे आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या आप दोनों एक हो पाएंगे आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या आप दोनों एक हो पाएंगे देखिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ सेकेंड अक्टूबर को पितृपक्ष की आमावस है और इस दिन मैं एक स्पेशल रिचुअल करने जा रहे हूँ जिन लोगों के काम नहीं बन रहे हैं हर एक चीज़ में डिले एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो रही है मैरिज फिक्स नहीं हो पा रही है बच्चे कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं पितृदोष इन्वॉल्व होता है तो मैं इस दिन पर एक रिचुअल करने जा रही हूँ ताकि ये आपका जो पितृपक्ष है ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो और पितृदोष दूर हो जाए सो so, अगर आप रिचुअल करवाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स मैंने कम्युनिटी टैप पर पोस्ट की हैं फीस भी बताई है और क्या क्या डिटेल्स चाहिए होंगी वो भी बताई है आप कम्युनिटी टैप पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि जो स्लॉट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड ओके सो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं सो so, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे आपके जो पार्टनर हैं उनकी मंशा पहले तो समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है उनके इरादे क्या हैं? उस पर क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है देखिए यहां पर तो मुझे आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इल्यूजनरी एनर्जीज में नजर आ रहे हैं इल्यूजन की एनर्जीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है आपके पार्टनर की लाइफ में एक साथ बहुत सारी चीजें हो तो रही हैं। रास्ते भी बहुत सारे आपके पार्टनर को नजर आ रहे हैं लेकिन कौन सा रास्ता आपके पार्टनर को आपकी ओर लेकर जाएगा इस चीज को समझ पाना आपके पार्टनर के लिए उतना आसान नहीं है आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें अपने ऊपर बहुत टाइम से कॉन्फिडेंस रहा है कि वो चीजों को ठीक कर पाएंगे लेकिन अब आपके पार्टनर का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे शाटर हो रहा है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर ऐसी काबिलियत है कि वो इस रिलेशनशिप को इसके मुकाम तक लेकर जा सकते हैं वो आपके सामने अपने आप को कम्प्लीटली साबित कर पाएंगे और इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी लेकिन इस रिलेशनशिप में इतने सारे उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं इस चीज़ के बारे में पता लगा पाना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं है और अब आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि शायद इस रिश्ते में यही सब कुछ होना लिखा था और आपके पार्टनर इन चीजों को बदल नहीं सकते हैं आपके पार्टनर को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में क्या हिडन है क्या चीजें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर जा रही हैं आपके पार्टनर अपने आप को बहुत सारी चीजों के लिए ब्लेम करते आए हैं लेकिन अब आपके पार्टनर इस चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है उन्होंने अपने को ब्लेम भी कर लिया रास्ता ढूंढने की कोशिश भी की कि वो आपसे सॉरी किस तरह से कह पाए अपने कर्मा को रिवर्स किस तरह से कर पाए आपके पार्टनर को रास्ता ही नजर नहीं आए तो ये चीज़ आपके पार्टनर को अंदर से बहुत ज्यादा शार्टर्ड फील करवा रही है आपके पार्टनर की एनर्जी साइकिल्स में चेंज होती है ठीक है आपके पार्टनर फुल मून के आसपास बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर इमोशनल हो जाते हैं और नो मून आते, आते आते आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज्यादा डिप में चली जाती है आपके पार्टनर अपने सवाल जवाब में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही है कहाँ पर उनसे गलती हो रही है क्या वो अपनी लाइफ में चाहते हैं और कैसे उस चीज़ को हासिल करना है इन सब चीज़ों पर आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है हाँ ये बात वो बिल्कुल मानते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जितनी मोहब्बत वो आपसे करते हैं शायद ही कोई और इंसान आपसे उतनी मोहब्बत कर पाए ये आपके पार्टनर का दावा है लेकिन आपके पार्टनर और आपके बीच का जो साइकिल है ना वो रीयूनियन का साइकिल चैनलाइज नहीं है बल्कि यहाँ पर सेपरेशन का साइकिल बहुत लंबे टाइम से चैनलाइज हो चुका है जिसमें इंटेंसिटी हर फुलमून मून के साथ बढ़ती चली जा रही है आपके इस रिलेशनशिप में आपने भी सोचा कि कई उतार चढ़ाव आते हैं रिश्तों में और ये रिश्ता ठीक हो जाएगा आपके पार्टनर वो चीज़ों की रियलाइजेशन होगी आपके पार्टनर को चीज़ों की रियलाइजेशन हुई लेकिन उस रियलाइजेशन का फायदा क्या हुआ जब वो चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर ही रह गई आपके पार्टनर ने उसे अपनी गलती मानकर उसे एक्सेप्ट कर लिया कि उनके कर्मों का फल ही उन्हें मिल रहा है आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं ये उनकी इंटेंशन है वो आपको खोना नहीं चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है उनकी लाइफ में आपके ना होने से उनकी लाइफ के अंदर जो सब चीज़ें चल रही हैं वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं आपके पार्टनर मेंटली बिल्कुल भी फ्रीडम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं मेंटल कंफ्लिक्ट की एनर्जीज में है आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करके इस रिलेशनशिप में हार्मनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने प्यार का इजहार आपसे करना चाहते हैं इसके लिए आपके पार्टनर ने कई प्रयत्न किए होंगे आपके पार्टनर ने अपने आसपास वाले लोगों से लड़ाई झगड़ा करके कुछ स्टैंड लेने की कोशिश भी की होगी लेकिन वो सारे जो कोशिशें हैं ना आपके पार्टनर की वो टेम्परेरी ही साबित हुई हैं और अगर आपको लगता है कि वो कोई बहुत ही कंसॉलिडेट स्टेप आपके पार्टनर ले पाए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत जल्दी डाउन चली जाती है ठीक है आपके पार्टनर डिटर्मेंट है इस रिलेशनशिप को लेकर लेकिन अचानक से इस रिश्ते में क्या होता है या उनकी अपनी एनर्जीज में क्या होता है ये आपके पार्टनर को समझ नहीं आता आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपको लेकर गलत नहीं है इस रिश्ते को लेकर गलत नहीं है आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आप भी यही चाहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी तरफ को बढ़े अपने प्यार का इजहार आपसे करें आपके पार्टनर अपनी गलती को माने आपसे माफी मांगे ये सारी चीजें आपके पार्टनर भी करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो आपके बिल्कुल विपरीत जो रिश्ता रियूनियन की एनर्जीज में बहुत पहले एंटर कर चुका होता वो रिश्ता आज बिखर रहा है उसका रीजन वक्त को वेस्ट करना है आपके पार्टनर ने भी टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट किया और आपने भी टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट किया अब आपके पार्टनर की ना हिम्मत टूटती चली जा रही है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत का फल क्या हुआ इतना ज़्यादा उन्होंने चीज़ों को संभालने की कोशिश की बस एक गलती उनकी डेस्टिनी बनकर रह गई उनसे एक गलती ज़रूर हुई लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी इस गलती को सुधारना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पार्टनर को मौका ही नहीं मिला ईश्वर ने उन्हें मौका नहीं दिया एक्चुअली यहाँ पर बात ये नहीं है कि ईश्वर ने उन्हें मौका नहीं दिया एक्चुअल बात यह है कि आपके पार्टनर ये समझ ही नहीं पाए कि कौन सा पर्सन उनके साथ है और कौन सा पर्सन उनके अगेंस्ट है जो पर्सन उनके अगेंस्ट है उन्ही पर्सन के साथ आपके पार्टनर अपनी सारी बातें शेयर करते आए इस वजह से आपके पार्टनर को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिली और अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ भी पॉजिटिव कर ही नहीं पाएंगे और आपको दूर से ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा मतलब ही हो गया है उन्हें सिर्फ खुद से मतलब है उन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं है उन्होंने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया आपके पार्टनर आपके जज्बातों को ही नहीं समझ सकते हैं ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही होंगी अपने पार्टनर को देखकर देखिए अपने पार्टनर को लेकर इस टाइम पर एटलीस्ट आपको जजमेंटल नहीं होना है ये चीज मैंने कल की वीडियो में भी आपसे कही थी कि क्या अचानक से बदलाव आएंगे आपके रिलेशनशिप में उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए आप में से बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा लेकिन कई लोगों को ये बात समझ ही नहीं आई कि वो चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं देखिए आपके पार्टनर के अंदर वो जो यूनियन की तड़प है ना वो तड़प तो बढ़ने वाली है लेकिन एक्शन की कमी और ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर एक्चुअली एक सरेंडर्ड मोड में एंटर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और आपके पार्टनर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त नहीं कर रहे हैं बल्कि अब उनके इमोशंस और ज़्यादा दबते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप उम्मीद कर रहे थे कि आपके पार्टनर एक नर्चरिंग एनर्जीज में इस रिलेशनशिप को लेकर जाएंगे लेकिन आपको अब ये नज़र आएगा कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी होते हुए आपको नज़र आएंगे आपको लगेगा कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस चेंज को गो थ्रू कर रहे हैं आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ अब अपनी लाइफ को स्पेंड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है जबकि सच ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज इस तरह से चेंज होने वाली है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज्यादा अपने आपको ब्लॉक्ड महसूस करेंगे आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस चार्टर होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ विद्वान आएंगे अभी कमेंट सेक्शन में जो ये बात कहेंगे कि मैम कुछ आप पॉजिटिव तो कह दीजिए देखिए वो आपके साथ नेगेटिव रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज इस तरह से हो रही है और मैं आपको फॉल्स होप्स देती रहूं ऐसा करना मुझे तो अप्रोप्रिएट नहीं लगता है अगर आपको फॉल्स होप्स चाहिए बहुत सारी जगह पर आपको रीडिंग्स मिल जाएगी प्लीज़ वहां जाकर देखिए ठीक है यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें अपने रिश्ते को सच में जानने की ज़रूरत है उन्हें जानने दीजिए आप ज़्यादा विद्वान हैं आपको वो एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उसे सुन सुन कर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने आप को सिर्फ खुश ही करना बहुत सारा आपके पास एंटरटेनमेंट होगा इधर उधर वो देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कुछ लोग मैरिड हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल शाटर हो रही है तो उन्हें अपने रिश्ते के बारे में समझ ले लीजिए ठीक है आपके पार्टनर का ये जो कॉन्फिडेंस का कम होना है उसका कारण अभी ये जो नोमून no आएगा वो बनेगा क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली चैनलाइज़ किया जाएगा आपके पार्टनर के इर्द गिर्द कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप को और ज़्यादा बढ़ाने वाली है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस तरह से चैनलाइज करेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की पूछ बन गए हैं जो ये थर्ड पार्टी कह रही है वही आपके पार्टनर करते चले जा रहे हैं एक्चुअली इस थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी एनर्जीज में मर्ज किया जाएगा और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की जो मंशा है उसे समझ ही नहीं पाएंगे अभी भी नहीं आपके पार्टनर समझ पाए हैं आप दोनों का एक होना इस चीज़ में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है स्पेल वर्क का इस्तेमाल करने वाली है जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही ठीक है अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को ये थर्ड पार्टी बदलकर अपने आप को आपके पार्टनर के सामने बहुत ही अच्छा साबित करने वाली है आपके पार्टनर की हेल्थ डिट्योरेट होती हुई नज़र आ रही है और आप दोनों का रीयूनियन इस तरह से नहीं होगा तो क्या आप दोनों एक हो पाएंगे देखिए इन एनर्जीज़ को रिवर्स कर पाना पॉसिबल है लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपके पार्टनर इन एनर्जीज़ को खुद रिवर्स करें आपके पार्टनर इन एनर्जीज़ को फाइट बैक करें आपके पार्टनर को अगर मैं बड़े ध्यान से उनकी एनर्जीज़ को देखूं तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर किसी नशे में है ठीक है और वो ये एनर्जी का नशा है जो इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया है आपके पार्टनर उस नशे से निकल कर आपके लिए स्टैंड लें चीज़ों को ठीक करें वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ठीक है आपको पहले आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज़ में वापस लाना होगा फिर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन होगा ऐसे घर बैठकर अपने पार्टनर को जज करके अपने पार्टनर के बारे में स्टेटमेंट्स पास करके तो आप दोनों का रीयूनियन नहीं होने वाला है ठीक है अब यहाँ पर भी कई लोग आएंगे कि मैम ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है मैंने तो कभी कहा ही नहीं है कि ईश्वर से बड़ी कोई ताकत होती है ईश्वर के द्वारा ही तो गाइडेंस आपको मिलती है उस चीज़ को भी जब आप इग्नोर करते जाते हैं तो ईश्वर खुद आपके लिए कुछ करके आपको नहीं देने वाले ठीक है तो आपके रिश्ते के अंदर रीयूनियन अभी के टाइम पर पॉसिबल है अगर एनर्जीज को रिवर्स किया जाता है आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज़ के अंदर वापस लाया जाता है नहीं तो ये जो इग्रेशन है आपके पार्टनर का वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पर गिवअप करने के बारे में सोचने लगेंगे इस नो मून के बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह की टर्न होंगी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा और उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना है आपके पार्टनर की हेल्थ डिट्योरेट होती हुई नजर आ रही है आपके पार्टनर अपने आसपास वाले लोगों पर आज शायद शक कर रहे हैं लेकिन नोमून के बाद वो शक वाली एनर्जीज भी डिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है आपको आपके पार्टनर ने इमोशनली बहुत ज्यादा शार्टर किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में हैं। मैं इस बात को समझ रही हूँ आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन हो जाएगा देखिए अगर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी ना होती और स्पेशली ये जो एनर्जी चेंजेस ना होते तो ये रियूनियन अपने आप हो सकता है कई केसेस में रियूनियन होता है जहां पर कुछ एनर्जी के इम्पैक्ट्स ना हों और कई केसेस में तो एनर्जी के इम्पैक्ट्स इतने बढ़ चुके होते हैं कि वहां पर आप चाहकर भी चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाते तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूंगी कि अभी आपके पास ना एक डेढ़ महीने का वक्त है एक महीने का वक्त है जो आप एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बाद एनर्जीज आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी उसके बाद एनर्जीज को रिवर्स कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पार्टनर ना अपने आप में चीजों पर से कंट्रोल छोड़ते चले जाएंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि अब वो पास्ट की एनर्जीज में और ज्यादा नहीं रह सकते हैं वो पास्ट को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं वो फ्रस्ट्रेशन उनके बेस चक्रा को पूरे तरीके से तबाह कर देगी ठीक है और आपके पार्टनर के अंदर जो फियर है आपको खोने का वो रिलीज हो जाएगा आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि शायद इस जन्म में आप दोनों का साथ नहीं हो सकता है तो वो इस रिलेशनशिप पर गिव अप करके जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज और ज़्यादा पनपनी शुरू हो जाएंगी फिर आप ये कहेंगे कि मैम हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे पार्टनर ने हमसे प्यार ही नहीं किया इसी वजह से तो वो मूव ऑन कर गए आपके पार्टनर अभी तक अपनी एनर्जी से फाइट करते आए हैं उस टाइम पर आपकी ये स्टेटमेंट पास करना कि हमारे पार्टनर तो हमसे प्यार ही नहीं करते थे हमें ये बात पहले से ही पता थी वो गलत होगा क्योंकि आपके पार्टनर उस टाइम पर गिव अप वाली एनर्जी आ जाएंगे आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस को आपके साथ ही फील किया है और इवन आपने भी अपने पार्टनर के साथ ही अपनी जिंदगी को खुलकर जिया है लेकिन अब ये जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में क्रिएट होगा वो एक मेजर टावर मूवमेंट है एक्चुअली ये साइकिल बहुत पहले से चल रहा है अगस्त से ये साइकिल चल रहा है लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है जिसकी वजह से आपके अंदर भी आपके पार्टनर को लेकर बहुत ही हेट्रेड की फीलिंग डेवलप होगी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको ये कहेंगे कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए आपको सेल्फ लव के बारे में सोचना चाहिए बिल्कुल सोचना चाहिए ठीक है लेकिन वो आप तब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें जब सामने वाला पर्सन ना अपनी एनर्जी में हो उसके सामने आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें कर सकते हैं ये जो लोग आपको आज सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव की बातें कर रहे हैं ना जब आपका रिश्ता एकदम टूट जाएगा आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा ये लोग भी आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे ठीक है तो आपके पास आप जो टाइम पीरियड है उस टाइम को बचा लीजिए बहुत टाइम से आप सिर्फ डिले करते चले जा रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपका साथ नहीं देती है कई बार ऐसा होता है वक्त आपका साथ नहीं देता है लेकिन अब तो मेजर साइकिल है अगर अब भी आप सिर्फ बहानेबाजी करने वाले हैं और ईश्वर को कोसने वाले हैं तो ये रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन कभी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे बातें कड़वी आपको ज़रूर लग रही होंगी लेकिन बातें सारी ही सच्ची हैं आपके पार्टनर की जो ये अब ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है ना ये बहुत ही डरावनी ट्रांसफॉर्मेशन है क्यों डरावनी है क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम पर अपने ईगो अपने में नहीं आने वाले हैं बल्कि अब आपके पार्टनर इसी एनर्जी को अपनी एनर्जी मानकर इसी एनर्जी में जीना शुरू करते हैं वो चीज बदल पानी बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर चक्रास कंप्लीटली ब्लॉक्ड होते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है आपको लगेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कंप्लीट पुतली बन गए हैं और आप में से कुछ लोग तो ये फील करेंगे कि आपके पार्टनर कभी आपके साथ प्यार करते ही नहीं थे तो जजमेंट्स बनाने से बेटर ये है कि अपने रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स करके अपने इस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ दें ताकि आपके रिलेशनशिप को आप दोनों खुलकर जी पाए क्योंकि चाहत तो आपके पार्टनर की भी यही है कि वो इस रिश्ते में आपको सभी खुशियां देना चाहते हैं ठीक है सो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिली होगी ठीक है लेकिन कुछ जजमेंटल लोग भी हैं तो उनकी मुझे कोई परवाह नहीं है बट यहाँ पर मैक्सिमम लोग एक्चुअली गाइडेंस लेने आते हैं सो so, आइए अब हम जानते हैं टैरोडेक से क्या आप दोनों एक हो पाएंगे आइए जानते हैं टैरो से क्या आप दोनों एक हो पाएंगे आइए जानते हैं टैरो से क्या आप दोनों एक हो पाएंगे लेट्स सी तो पहला कार्ड है यहां पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है द लवर्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द फूल का कार्ड है यहां पर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेअर एस किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है देखिए आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की जो क्लोजनेस है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी दावा कर रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कॉपरेट कर रही है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कॉपरेटिव एनर्जीज में है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सही रास्ता दिखा रही है ऐसा दावा इस थर्ड पार्टी का है और आपके पार्टनर इस बात पर यकीन कर रहे हैं आपके पार्टनर को आपके प्यार की रियलाइजेशन हुई है लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि ये रियलाइजेशन उन्हें बहुत देर बाद हुई है और अब चीजें उनके फेवर में नहीं है अब चीजें उनसे बहुत ज़्यादा अलग जा रही हैं आपके पार्टनर आपके प्रति जो अफेक्शन फील करते हैं शायद वो आपको कभी बता ही नहीं पाएंगे जो कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं शायद अब वो आपको ये कमिटमेंट दे ही नहीं पाएंगे ये जो डाउट्स आपके पार्टनर के अंदर डेवलप हो रहे हैं वो इस थर्ड पार्टी की वजह से डेवलप हो रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज पर निरंतर एक्शन लेने की कोशिश कर रही है और मेजर एक्शन अभी ये जो नोमून है पितृपक्ष का जो नोमून है इस पर होने वाला है ठीक है आपके पार्टनर ऑनेस्टली इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं आपके पार्टनर से बहुत बड़ी गलती हुई है उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लिया आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उन्होंने इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं और ये बात ये थर्ड पार्टी जानती है कि अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी ने थोड़ा सा भी लूज छोड़ा तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे इस थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से फायदा है कुछ इसी वजह से ये थर्ड पार्टी जुड़ी हुई है आपके पार्टनर के साथ कोई इमोशनल बॉन्डिंग इस थर्ड पार्टी की नहीं है ये अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहती है ये ये थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की जिंदगी से बाहर ना जाए इस वजह से ये बार बार कर्म कर रही है ठीक है और गलत कर्म कर रही है हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कर्मा है वो पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है लेकिन आप सिर्फ कर्मों के रिजल्ट की वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है ये थर्ड पार्टी अपने आप को आपके पार्टनर के सामने इतना एफिशिएंट साबित कर रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर कहीं ना कहीं रिलाई कर रहे हैं और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक नई कमिटमेंट की ओर लेकर जा रही है जबकि आपके पार्टनर ये नई कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एक बार जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए आपके साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर लेना चाहिए लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर जो ये डाउट्स हैं, ये और ज्यादा बढ़ेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप के इश्यूज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो आप दोनों का रीयूनियन तभी होगा जब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट होगी जब आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट है जब आप ये सोचेंगे कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके इस रिश्ते के अगेंस्ट है और वो तीसरा व्यक्ति आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने में लगा हुआ है जब आप ये सोचेंगे कि हाँ आपके पार्टनर को आपसे प्यार है तब आपको रास्ते दिखने शुरू होंगे और जब आप अपना एक्सपेक्टेशन का लेवल लो करेंगे जब आप सिर्फ अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे बल्कि आप ये भी सोचेंगे कि आप पहले क्या कर सकते हैं तब इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जी चैनलाइज होगी अपने आप से रीयूनियन की एनर्जीज यहां पर चैनलाइज नहीं होने वाली हैं आपके पास बहुत प्रेशस 30 35 डेज हैं इन्हें वेस्ट मत कीजिएगा ठीक है जो लोग सच में अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और रिश्ते को बचाना चाहते हैं आपको मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूंगी कि आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि रिश्ते में ये उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं इस थर्ड पार्टी को आप किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं और री किस तरह से इस्टेब्लिश होगा अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए मेल ड्रॉप कीजिए मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी ठीक है और अगर आप जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरी कॉम्युनिटी टैप पर जाकर चेक कर सकते हैं सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आइए जानते हैं तो पहला मैसेज है मेरे दिल के दर्द को तुम्हारे बिना और कोई नहीं समझ सकता आई नीड यू आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस पेन से वो गुजर रहे हैं इस पेन को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और कोई भी नहीं समझ सकता है उन्हें आपकी जरूरत है मुझे अपना लो प्लीज चाहे कोई भी सजा दे दो बट मुझसे दूर मत जाओ आई नीड यू आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज उन्हें अपना लीजिए चाहे उन्हें कोई भी सजा दे दीजिए बट उनसे दूर मत जाइए उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है मैं बहुत जल्द तुम्हें कॉल करूंगा ये चीज़ मैंने कल की रीडिंग में भी बताई थी आपको आपके पार्टनर की कॉल आ सकती है लेकिन उसमें जो कन्वर्सेशन होगी वो एक ब्लेमिंग कन्वर्सेशन होगी उस पर आर्ग्यूमेंट्स करने का कोई फायदा नहीं है आपके पार्टनर कोई बात नहीं सुनने वाले हैं तो जब आपके पार्टनर आपको कॉल करें सिर्फ उनकी बात सुनिएगा आपको ज़्यादा रिस्पांस देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ आई मिस योर स्माइलिंग फेस आपके पार्टनर आपको अपनी आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं वो आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं द नेक्स्ट तुम्हें ठुकराने से मैंने अपनी किस्मत को ठुकराया है इसीलिए ही मैं दर्द में हूँ आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपको ठुकराने से उन्होंने अपनी किस्मत को ही ठुकरा दिया है इसीलिए शायद वो पेन में है बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की पर नहीं निकल पा रहा हूँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन सॉल्व क्यों नहीं हो रही है ये सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों होती चली जा रही है ठीक है और ये कोई जेंडर बायस मेसेज नहीं है अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल हैं तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं ठीक है रिश्ता आपका है आपको बचाना है कि नहीं बचाना है ये चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं इसके बाद आप ईश्वर को या किसी गाइडेंस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको सही वक्त पर सही गाइडेंस नहीं मिली ठीक है सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा हो सकता है किसी वो अपनी को अपनी लाइफ को लेकर अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वॉच सी यू सो